that's making it hurt. आज काय पर्पल एकदम बढ़िया मौसम है बढ़िया मौसम है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जन्म जिकी। आई होप मेरी तरह आप भी अपनी इवनिंग्स एंजॉय कर रहे होंगे। इतनी अच्छी हवा चल रही है, मेरा तो मन हुआ मैं यही वीडियो शूट कर देती हूँ, पर आज है अमेज़न का शॉपिंग हॉल तो मैं सारे प्रोडक्ट्स तो यहाँ नहीं ला सकती, पर इंट्रो तो आपके साथ शूट कर ही सकती हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर शॉपिंग वीडियो। मेरी Amazon शॉपिंग हॉल का जो पहला प्रोडक्ट है वो है ऑरिगेनो, इजी लाइफ का ऑरिगेनो है। ये मैंने सबसे बड़ा पैक मंगवाया है और इजी लाइफ का ऑरिगेनो मैं थर्ड टाइम मंगवा रही हूँ। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे ब्लेंड होते हैं। आपको पिज्जा बनाना है या चीज पिज्जा बनाना है या सिर्फ फ्रेंकी बनानी है, वेजीज के साथ इसका ब्लेंड बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने और भी कंपनीज के चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ट्राई किए और लोकल मार्केट से भी परचेस किया, पर जितना फ्लेवर इस इजी लाइफ में है उतना फ्लेवर मुझे कहीं नहीं मिला। मैं रिपीटेडली इस यहीं से इजी लाइफ के प्रोडक्ट ही यूज करती रहती हूँ। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, इसका एसेंस आपको जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं पनीर सॉटे कर रही हूँ उसी तरह आप मशरूम या इवनिंग सैलड्स को भी सॉटे करके अगर उसमें ऑरिगेनो की सीजनिंग्स करेंगे तो टेस्ट एनहेंस हो जाता है। कई बार मैं इनके छोटे पैक्स मंगवा चुकी हूँ पर प्रोडक्ट रिलायबल है तो इसलिए बड़ा पैक मंगवा लिया है। अगले प्रोडक्ट की तरफ, ये तो हर घर की एक नीड है, ये है फिलिप्स की आयल। इसकी दो मेन फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो इसका वॉट्स और दूसरा इसका वेट। वॉट्स, मिनिमम वॉट्स हमें 1000 का ही लेना चाहिए। अगर हम आयरन 750 वॉट्स या 1000 से थोड़ा भी कम लेते हैं तो वो कॉटन को क्लियरली रिंकल फ्री नहीं कर सकती है, उसमें क्रीज नहीं बन पाती है। इसके लिए जब भी आप आयरन खरीदें 1000 वॉट की ही खरीदें। और दूसरा है इसका वेट, शायद आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा पर इसका वेट है 1.5 kg। नॉर्मली दूसरी आयंस का वेट इतना नहीं होता है लेकिन मुझे ये चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा बार घसना नहीं पड़ता है किसी भी फैब्रिक को, आप बस एक बार रखकर स्लाइड करिए और बहुत नीटली कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो इस आयन को तो मेरी तरफ से बिग 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 थम्स अप। मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ। और आप पिक्चर में देख सकते होंगे कि ये कितना नीटली आयन कर देता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अगर आप लेना चाहें तो इसे जरूर ट्राई करिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। और तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है वो एक नेसेसिटी तो नहीं पर बच्चों को बहुत पसंद है आजकल, वो है इमोजी पिलोज। ये मुझे अराउंड 167 में दोनों पिलोज पड़े, ये पेयर्स में ही अवेलेबल है। और आपको जिन भी एक्सप्रेशन के पिलोज चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट हैं, छोटे हैं और बच्चों को पसंद है। ऊपर का फैब्रिक बहुत ही टेंडर है और वॉशेबल भी है तो रीयूज हो सकते हैं, कि जल्दी खराब भी नहीं हो रहे हैं। मुझे भी काफी समय हो गया है मैंने इनको खरीदा है, एक गिफ्ट के लिए भी अच्छा है, आप किसी को बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो जो मुझे बहुत पसंद है वो है ये बॉटल कॉक लाइट्स। ये बॉटल कॉक लाइट्स अक्सर आपने मेरे वीडियोस में बैकग्राउंड में देखी होंगी या मेरे DIYs में देखी होंगी। मुझे लाइट्स बहुत पसंद है क्योंकि इनको कनेक्शन नहीं चाहिए होता है और इनकी लेंथ 2 meters तक है। मैंने कॉम्बो पैक ऑर्डर किया था जिसमें मुझे 3 units मिले थे और इनको यूज करने के बाद ही मैं आपको रिव्यू देना चाहती थी। तो रिव्यू ये है कि ऑलमोस्ट 2 hours तक इनकी बैटरी अच्छी चलती है और अगर आप इन्हें थोड़ी देर के लिए बंद करके रखें तो ये ऑटो रिवाइव हो जाते हैं। तो कहीं भी छोटी प्लेस को डेकोरेट करने के लिए या किसी फेस्टिवल सीजन में आप अपने छोटे कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए, फ्लावर वास को या प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए जब आप लाइट्स लगाते हैं तो ये बहुत प्रिटी लगती है। तो दीज आर वर्थ बाइंग। नेक्स्ट बाइंग है वो है
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। एरोमेटिक का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके स्किन और आपके हेयर केयर में बहुत काम आता है। रोजमेरी एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जिससे आपके सेंसेस लाइव होते हैं और आप मसाज करते हैं या उसको शैम्पू में डाल के भी यूज कर सकते हैं तो आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। अगर किसी को डैंड्रफ है तो भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल उसके लिए बहुत ही अच्छा है, पर माइंडेड उसके यूज पे ध्यान रखिए। एट अ टाइम 2 या 3 ड्रॉप से ज्यादा उसको नहीं यूज करना होता है। ये भी मेरा तीसरा पैक है। अक्सर मैं शैम्पू के टाइम इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ऐड करके फिर ही शैम्पू करती हूँ, तो इसका एसेंस मुझे बहुत पसंद है। पर प्लीज इसको किसी के साथ ब्लेंड करके लगाइए या हेयर रिंस के समय यूज करिए या जब आप अपने फेस पे कोई ऑयल मसाज करें तो उसमें एक ड्रॉप ऐड करके रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जरूर लगाइए। और एक और बेनिफिट है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का, जब आप वाटर कैंडल्स जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो उस ऑयल में भी आप कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो आपके घर में एक फ्रेशनेस बनी रहती है और जो बाहर की बैड ओडर होती है वो भी निकल जाती है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं जो सारे इस पैक पे लिखे हुए हैं। हमेशा से ये फेवरेट एसेंशियल ऑयल रहा है तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट जो मेरी लेटेस्ट अमेज़न बाइंग थी वो मेरे काम की है और हर उस इंसान के काम की है जो मेरी तरह वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट मैं उनके लिए बता रही हूँ और रिव्यू भी दे रही हूँ इसका। नेक्स्ट है ये फोर्ट्रॉन का ट्रैपोर्ट स्टैंड। ट्रिपोर्ट स्टैंड का फुल लेंथ यानी फुल एक्सटेंशन अराउंड 4.5 feet तक है। इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हैं जिससे आप हर तरह की शूट कर सकते हैं और मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होने के कारण मूव भी अच्छा होता है, ओवरहेड शूटिंग के लिए, पोर्ट्रेट के लिए, लैंडस्केप के लिए, हर तरह की रिकॉर्डिंग के लिए ये बेस्ट है। ग्रिप इसका अच्छा है और हर एक पार्ट को मूव करने के लिए यहाँ पर नट्स हैं। फ्रेंड्स जो मेरा नेक्स्ट परचेज है वो था OnePlus Nord 2। नॉट 2 के साथ चार्जर, स्क्रीन गार्ड और कवर साथ मिला था। नॉट 2 का 12GB रैम, 256GB स्टोरेज और इसकी सोने की कैमरा इसके हाइलाइटेड फीचर्स हैं। नॉट 2 लेटेस्ट फ़ोन है इसलिए 5G को भी सपोर्ट करता है। इसकी स्लीक बॉडी का लुक बहुत ही ऑसम है और सबसे इसकी खास बात है कैमरा। इसकी फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा 50MP है। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ऑसम है और सेंसर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और 10x जूम तक ये जा सकता है। हर तरह के सिनेमैटिक वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, हर तरह के रेशियो के लिए एकदम परफेक्ट फ़ोन है। मैं करंटली इस फ़ोन को यूज़ भी कर रही हूँ और एक्सप्लोर भी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब जब इतनी सारी खरीदारी हो गई है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने लिए ड्रेस ना खरीदूं? तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो है ये गोसरिकी की ड्रेस। हालांकि गोसरिकी से मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस किया है और मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही पसंद आया। आप लुक इसका सामने देख सकते होंगे, ये कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग है और इसका लुक बहुत ही एलिगेंट था। ड्रेस की तारीफ तो मैं करती रहूंगी। इस ड्रेस की ओढ़नी काफ़ी बड़ी थी। अगर आप इसे करेक्ट एक्सेसरीज के साथ कैरी करते हैं तो इसका लुक देखते ही बनता है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रही थी। तो दोस्तों ये थी सारी मेरी अमेज़न हॉल। दो शॉपिंग लिस्ट थोड़ी बड़ी थी और मैं कुछ इंतजार भी कर रही थी कि किन चीज़ों को मैं यूज करके उसके बाद ही आपको रिव्यूज दूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, नो नीड टू से, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने मैं लाती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए जय राम जी की। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो बस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सारा कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया है। कुछ चीज़ें खास लगी इसलिए आपके साथ शेयर करने का सोचा।